हम अमित पात्र ये जो वैषम्य उत्पन्न हो गया है, द्वैत भाव जो उत्पन्न हो गया है कि मैं ये शरीर हूं, ये सिर्फ मोह की निद्रा से उठो। कैसे उठे? तो वही व्यक्ति उठा सकता है जगा हुआ। अगर आप सोए हुए हैं और दूसरा व्यक्ति जगा हुआ है तो वो आप लाकर के उठा सकता है। अब आपकी इच्छा कि उठे या ना उठे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोए नहीं होते फिर भी नाटक कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को वैसा नहीं। से लेकर के नौ स्कंद तक छठे स्कंद की कथा सुन रहे थे, कुल मिलाकर 18 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये 18,000 श्लोक कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं, कौन सी वास्तव वस्तु की बात कर रहे हैं? आज जागृत की कथा है, अब सब स्कंद में आप श्री प्रहलाद की कथा सुनेंगे। ऐसे करते 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 कृष्ण व्यास देव एक साधक को, एक श्रोता को श्रीमद् भागवतम के उसी दशम स्कंद की ओर लेकर जा रहे हैं जहां पर श्री कृष्ण की बहुत ही मन को आकर्षण करने वाली लीला है। की कथा को सुनकर के आपको क्या होगा? गोविंद लभते रहते, गोविंद के प्रति आपको रति प्राप्त होगी। इसको सुनकर के श्री परीक्षित ने कहा, हे सुदेव गोस्वामी पादेव, ये अवतार भगवान ने ईश्वर नौ स्कंदों में बड़े बड़े राजाओं का विष लगा करके आई उतना को श्री कृष्ण ने क्या गति दे दी? माता का कंबा दयाश्रय मुझे दो, ऐसा दयाल, ऐसा दयावान भगवान को कौन मिलेगा कि विष लगा करके कोई आए तो उसको भी वह गति दे दे। अब श्री किसी भी कार्य में कहे, लेकिन जो कथा इन व्रजदेवियों के मुख से निकलती है, इन गोपियों के मुख से निकलती है, वो कथा कैसी है? पुनाती भुवनं प्रयः, वो तीनों की तीनों के लोगों को पवित्र करती है। तो श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम का सार है इन ब्रजदेवियों का, श्री कृष्ण जिनको के कुंज में, वृंदावन के कुंज में बैठा मैंने क्या देखा, एक नील ज्योति श्री कृष्ण और एक स्वर्ण कांति, एक तपते हुए सोने के समान दो ज्योतियां आपस में खेल रही थी। मेरे पास आकर और वो श्री कृष्णानंदिनी है कौन? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्व कांति समूहिनी परा तंत्रों ने बोला देवी। देवी माने जितनी भी देवियां हैं, श्री पार्वती जी हैं, दुर्गा है, अंबानी है, अंबिका है, पैर में पायल पहन रखी है, उसकी थिरकन से उसके वेद के मंत्र प्रकट हो जाते हैं। हे राजे, आपका दर्शन, आपका केवल एक कृपा कटाक्ष मेरे को आप देख लेंगे कि मैं हूं। अरे कौन कह रहा है? वैष्णव नाम मिथा शंभु शिव जी कह रहे इस बात को, हे राजे, आपका केवल एक कृपा कटाक्ष मेरे को प्राप्त होगा। जब ब्रज में जाते, जब ब्रज छोड़ करके आए, निरंतर श्री कृष्ण निरंतर देखते हैं कहां पर वायु जो ब्रज से आ रही है, उस ब्रज की वायु को देखते, उस ब्रज की दिशा की ओर देखते कि श्री कृष्ण कहते, ओ द्वारका में मेरे को खिलाने वाले तो बहुत हैं, 16,108 पटरानियां भी मेरे पास हैं, सब प्रकार की क्या कर सकती है। जिस भगवान को मंत्रों के माध्यम से भोग लगते हैं वो नित्य सिद्ध परिकर यशोदा जी क्या कर रही है, पीछे रखिया लेकर के भाग रहे हैं। ब्रह्मा श्री सब भ्रमित हो जाते हैं। वह जो वैकुंठ में जो उनके पार्षद उनके निकट आकर के प्रार्थना बड़े संभ्रम भाव से करते हैं, दूर से करते हैं, वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण की पीठ पर चढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण की पीठ पर हैं श्री वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने भोग लगाया ठाकुर जी को। भोग लगाने के बाद श्री कृष्ण निकले के साथ क्या किया, एक झाड़ूदार के पुत्र के साथ खेलने लगे। उनके एक सखा हुए उनके श्री कुंभदास जी ने कहा, अरे कृष्ण दुनिया कहते हो कि मेरे मंदिर में आओ, बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर आओ, वो तो झाड़ूदार के बेटे के साथ खेलते हो और बिना नहाए ऊपर चले जाते हो, भोग लगाते श्री कृष्ण की से भाग जाते। मतलब जाकर जान लगे श्री कृष्ण जब ऊपर चढ़ने लगे, जाकर के विभिन्न रूप में खड़े हुए, फिर एक मूर्ति के रूप में खड़े हुए, चूड़ी पर खोले, मतलब जाकर देखा, अरे श्री कृष्ण का साथ क्या किया, क्या हुआ? बोले घर इतना बड़ा झूठ,
इतनी गर्मी की तरह सारा का सारा शरीर जो है बिल्कुल गीला हो गया। बोले तो उनके जो इनके सखा जो थे शुभमन दास जी, उन्होंने कहा हम बताते हैं उनकी क्या होता है। उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में शिराधर खेल रही है, ऐसी ही वार्ता होती। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा कि श्री कृष्ण से बड़ा बलवान कोई नहीं, पूतना आई तो अपने मुख के बल से ही पूतना को मार दिया। शक्ता सुन रहे हैं ये जैसा कहते हो तो वैसी बात कहते रहते हो। सखियों ने कहा ठीक है, अगर आज फैसला हो जाए ये ब्रज किसका है, ये ब्रज की रानी श्री राधा रानी है या ब्रज के राजा कृष्ण है, इसका आज फैसला हो जाए तो बोले क्या होगा। बोले देखो युद्ध में तो हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने कहा हम इस तरह से युद्ध नहीं करते, और कुछ कर लेते। बोले क्या ठीक है, लेकिन हमारी चार शर्तें हैं। बोलो भगवंत ने कहा पहली शर्त यह है कि जब श्री राधा रानी नाचेंगी, जब वो नृत्य करेंगी, उनके वस्त्र नहीं हिलने चाहिए। ललिता ने कहा यह क्या वो पठान बात कर रहे हो भाई, व्यक्ति अगर नृत्य करेगा तो उसके वस्त्र हिलेंगे हिलेंगे। नाचेगी तो इसके भीतर नाचेगी, इसके बाद चुनी गई तो मधुमंगल ने बोला देखो जो की सुगंधी थी ना श्री उसी समय श्री लगी। अरे बोले क्या कर रहे हो। अरे बोले ये गंध ऐसी है जिसको सुन करके मैं भी मोक्षा को प्राप्त कर लेता हूँ। अच्छा वो सब बात छोड़ो, थोड़ा धैर्य धारण करो, वंशी को बजाओ। जब तक वंशी बजाओगे नहीं वो नाचेंगे कैसे। श्री कृष्ण ने अरे ये नौकरों से भी आवाज जो है नहीं आ रही है तो आधे सखा तो पहली मार ली, पिटाई होगी तो उससे नहीं मांग लो। बोला और देखो। अरे बोले ना इनके वस्त्र रहे हैं ना इनके नूपुर जो है उससे कोई आवाज जो है आ रही है, और जैसा आप तो इससे आप क्या करो, आप पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम राधा रानी उसी ही गोदार के अंदर नाचती रही, सांस चढ़ाई वंशी बजा जाते राधा रानी का नर्तन समाप्त नहीं हुआ। सबने कहा श्री महानंदनी राधा रानी की। अभी तो दूसरा पक्ष बाकी है, यह तो विजयी हो गई। कहां से भागू। बोले यहां तक देख रहे हैं आप। बोले मैं निश्चिंत तो हूं मैं विजयी होगा, मैंने हारना ही नहीं है, मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं निश्चिंत हूं जीतूंगा ही जीतूंगा मैं। तो बोले कि आपके में भी कोई भूली नहीं आनी चाहिए। बोले अलंकार छोड़ कर सबके सब स्वयं परास्त हो जाते हैं। बोले इनके वेणु नाद के आगे क्या, इनके वेणु नाद के आगे कौन टिकेगा। श्री भारत की वेणु बजाएगी और हम तुम्हारी तरह कंजूस नहीं है, तुमने नाचो हम पे पूरा मैदान मृदंग फेंका। विशाखा जी ने अपनी वीणा फेंकी, दोनों जाकर के भागी और श्री कृष्ण को पकड़ करके ले आई और श्री कृष्ण को पकड़ करके कहा कि श्री कृष्णानंद के चरणों पर नतमस्तक होकर एक ही बात कहता हूं, सिर्फ हमारे गुरु पार्षद ने बात कही और यह बात उनके पानी की अपनी प्यास बुझी। हमारे गुरुदेव ने कहा श्री प्यास तब नहीं बुझी जब श्री कृष्ण ने वहां पर वेणु नाद के अपने वेणु से वहां पर कूप बनाया। श्री ललिता जी की प्यास तब बुझी जब श्री कृष्ण ने अपने मोर मुकुट और अपने मस्तक को श्री विश्वानंद के चरणों में रखा, जब उनके चरणों में रखा और इस बड़ी ही उन्नत गौड़ी वैष्णव में हम सब लोग दीक्षा ग्रहण करें, इसी धारा में शिक्षा ग्रहण करें और अपने मानव जीवन को सफल बना करके
निरंतर रूप से सतत रूप से अभी गा रहे थे कि वृंदावन बसा ले ऐसे वृंदावन का नित्यवास पूर्व कृपाशन प्राप्त हो। महेंद्र भाई आ रहे, महेंद्र भाई कहाँ है, जिनका नाम ले रहे इधर आ जाओ। सरिता जी और श्री भोला भैया, भोला जी, कालिंदी जी और श्री सुनील प्रभु जी और श्री बिट्टू दीपक और संतोष, इनका इन लोगों ने जिसने चेन वगैरह पहन रखी है गोल्ड की, कोई भी गोल्ड का कुछ भी पहन रखा है उसको संभाल लेना। बिट्टू भैया है, बिट्टू जी, बिट्टू है, दीपक प्रभु जी है, दीपक बिट्टू हमको बुलाते हैं। अभी मेरी बात मत करो। सुनी है तो उन्होंने सरस्वती जी का आवाहन किया है, यहाँ आवाहनम आदेशम विख्यात है, यहाँ आदेश देना ही आवाहन है। उन्होंने सरस्वती जी को आदेश दिया। देखिए सरस्वती जी के पास जो वीणा है उस वीणा का नाम क्या है, मयूराकृति, मयूराकृति वीणा है श्री सरस्वती जी के पास, उसको एक अर्थ में कच्छपी वीणा भी कहते हैं, वो कच्छा और वीणा बजाई। इतनी सुंदर वीणा सरस्वती जी ने बजाई कि सारे के सारे स्वर जो है वो आच्छादित होकर के प्रकट होने लग गए, वो प्रकट होने लग गए। तो फिर जब सुन ली वीणा श्री राधा जी ने, तो उस सरस्वती जी ने कि कैसे हाथी और मगर की कथा तो सबने सुन रखी है कि नहीं, सुनी है ना हाथी और कथा की, हाथी और मगर की कथा। देखो त्रिकुट पर्वत पर वहां पे एक जो स्थिति उसकी अब वो जो परम स्थिति है उसको भूलना ही हाथी है। और मगर, मगर शब्द का अर्थ क्या है, मान लो किसी से पूछा कि अरे तू आज कथा में नहीं, स्वामी महाराज जी कथा कर रहे हैं तू नहीं, तो उसकी कुटिलता क्या, हाँ जाती मगर, हाँ जाती मगर, यही मगर है, यही मगर है, जीव की कुटिलता ही मगर है। एक बार हाथी अत्यंत उत्साह पूर्वक वहां पर किल्लोल कर रहा था, कोई मेरा पैर पकड़े उसको बताने के लिए ताकत, अभी रुको जरा थोड़ा खेल लू, तो हाथी वापस से खेलने लग गया। लेकिन धीरे 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 क्या रक्त क्षीण होता गया, तब उसको लगा यार कुछ तो चक्कर है, उसने अपना बल लगाया हाथी ने, और हाथी जब बल लगा रहा था तो देखा वो ग्राह है, तो ग्राह फिर से खींचे, हाथी अपना बल लगाए और फिर हाथी जब आंखें कमजोर हो गई, ले गया अंदर मगर, ले गया वो, फिर अरे हम कोई कम थोड़ी ना, ओ बढ़िया से गए ईएनटी के पास लगवा लिए, बढ़िया से करे, अब हम रसगुल्ला के लिए मुंह खोले आ तो वो 32 इंच से निकल जाए, अब उसको धारण करने की शक्ति नहीं है, धारण करने की शक्ति नहीं है उसमें। हमारी भी यही कंडीशन है, अरे क्या जब तक शक्ति लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मगर ले गया। अब मगर जब ले गया तो हाथी का सारा बल क्षीण हो गया। अब जब बल क्षीण हो गया, बार वालों को देखा, उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने थोड़ा दम लगाया, बच्चे ने दम लगाया पर नहीं निकल पाया, पत्नी बच्चे चले गए, पिताजी आप तो जाओगे ही जाओगे, आपको कितना संभाले, पत्नी बच्चे चले गए, पत्नी बच्चे चले गए, आपको बल चला जाता, वो भी नहीं गए, वो भी बोले मैं क्यों जाऊं,
जी बोले कि मुझे इतना ही कह देता गणपति बप्पा मोरिया, इतना ही कह देता मैं चला जाता। शैया पर पौड़ थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। दोबारा जैसे ही तुम भगवान एकदम से बोले, लक्ष्मी जी के हाथ से चरण खींचे भगवान, अरे दूर हट, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। सारे के सारे वेद स्तुति हो रही थी, भगवान ने हटाया और भूषामणि विस्मरण, भगवान अपनी श्राप से ये हाथी बना, और जो ये ग्राह था ये कुल में यही, और